हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें डीमैट अकाउंट ठीक से लॉगिन करना नहीं आता है। जैसे कि मुझे एक बंदे का मैसेज आया था कि भाई लॉगिन कैसे करें, उनको लॉग इन में प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे। सभी को ये प्रॉब्लम होती है, जो नए 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 लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में जो इंटर करता है, उनको ज़्यादातर लॉगिन करना, उनको पासवर्ड वगैरह का कुछ आइडिया नहीं होता है। लॉगिन कैसे करना है उस बारे में भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों, ये हमारा चैनल है, आप इस चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हो। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो आपके काम की, इसमें आपको मिल जाएगी, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो मैंने इसमें डाला हुआ है। तो आप इस चैनल में जाकर आप स्टॉक मार्केट की वीडियो देख सकते हो। सो लॉगिन कैसे करें, ये कमेंट में आया, हम इसी टॉपिक में आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो एंजल ब्रोकिंग लॉगिन कैसे करें, बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है और अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लॉगिन करना नहीं आता है। देन चलते हैं हम हमारे एंजल ब्रोकिंग के ऐप में, सॉरी एंजल वन अभी उनका नाम है, सो याद रखिएगा आप। सो देख सकते हो दोस्तों, मैं ऐप के अंदर आ चुका हूँ। सो दोस्तों, अगर लॉगिन करना है आपको तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे टिक कर दिया है मैंने। प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पे आपको लॉगिन का प्रोसेस दिखेगा। देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, मैंने प्रोफाइल में क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया है, यहाँ मेरा प्रोफाइल आ गया है, यहाँ पे नाम आ गया है। सो यहाँ मैं ऑलरेडी सेव करके रखा था, पर आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, तो मैं वो आपको बताता हूँ कैसे करना। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट डिटेल, यहाँ पे क्लिक करिए। आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने अकाउंट डिटेल में क्लिक किया तो मेरा सारा इंटरफेस यहाँ पे आ गया, बोल रहा है कि भाई लॉगिन करो। यहाँ पे मेरी आईडी दी हुई है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन करना है। अगर कोई आपका ईमेल अकाउंट है तो आप ईमेल अकाउंट यहाँ पे डाल दीजिए, अगर यूज़र आईडी है तो यूज़र आईडी डाल दीजिए। जब भी दोस्तों हम डीमैट अकाउंट जब बनाते हैं तो 2 दिन बाद हमारा आईडी और पासवर्ड हमारे ईमेल आईडी में आता है। जब भी वो ईमेल में आता है ना दोस्तों, तो आप एक काम करिएगा, उसमें जब वो आईडी और पासवर्ड साथ में भेजते हैं, आईडी और पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको लॉगिन करके चेंज कर लेना है फॉरगेट करके। उससे क्या होगा, आपका पासवर्ड सेफ रहेगा, आपका आईडी वगैरह सेफ़ रहेगा। और ज़्यादातर अभी स्कैमर लोग का तो पता ही है आपको, अभी पिछले बार न्यूज़ भी आई थी कि डीमैट, मैंने वीडियो भी बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका वीडियो देखना आप। वो हैकर लोग आईडी और पासवर्ड से, वो कौन सा रेडिफ मेल था, रेडिफ मेल के वजह से, जिनका भी रेडिफ मेल में अकाउंट था, उन अकाउंट के ही जो डीमैट अकाउंट है उनसे लिंक जो रहता है, वो डीमैट अकाउंट हैक किए गए थे दोस्तों। बहुत बड़ी बात है। और वो क्या करते थे पता है, उनके कुछ पेनी स्टॉक रहते जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करके रखते थे, उन पेनी स्टॉक को वो उनके अकाउंट से खरीदते थे। जैसे कि उनके अकाउंट में कोई शेयर है ज़्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है उनके पास में, तो दोस्तों उनके अकाउंट में से वो शेयर बेच देते थे। जैसे कि 100-200 शेयर है तुम्हारे पास TCS के, वो शेयर बेच देते थे और उन्हीं वही पैसे से वो उस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते, ताकि उनके पास में जो पेनी स्टॉक है उस स्टॉक में वो लोग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा जब वो पेनी स्टॉक खरीदेंगे, तो उनको फ़ायदा होता था, फिर वो अपने अकाउंट से बेचते थे। ऐसे भी स्कैम हुआ है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ये स्टॉक मार्केट का ग्राफ चल रहा है, ठीक है, ये TCS का अकाउंट है, ठीक है, हम ऐसा सपोज़ मान के चलेंगे TCS का अकाउंट है, तो स्कैमर लोग करते क्या है, ये इसके साथ में स्कैम करने वाला है, समझो, और ये स्कैमर है, ठीक है, ये स्कैमर है, तो ये क्या करेगा, इसका रेडिफ मेल में अकाउंट था दोस्तों, ये समझ लेना सब, आप थोड़ा कंसेप्ट समझो, प्रेजेंटेशन ख़राब है। तो ये क्या करता था, इसके TCS के अकाउंट, इसके ये बंदे के TCS के जितने भी शेयर थे वो बेच देता था। ऐसा मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ऐसा TCS का शेयर मैं प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो इसके शेयर बेच देता था। और इसमें सपोज़ समझो कि एक आधी पेनी स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक पे ये बंदा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये पेनी स्टॉक में ये बंदा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो यही एग्जैक्ट यही शेयर में इस बंदे का शेयर बेच के, TCS का शेयर बेच के, ये इस बंदे के पास में जो पेनी स्टॉक है वो पूरे इसके पैसे से खरीद लेता था। तो समझो ना दोस्तों, थोड़ा समझ लो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको थोड़ा ऐसी प्रेजेंटेशन वीक है, थोड़ा मैं बना के बता रहा हूँ। ये ए है जिसके साथ में स्कैम किया गया है, और ये बी है, इसने इस बंदे के साथ में स्कैम किया है। तो क्या होता है, ये जो बी है, ये पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज़्यादा, कम से कम इसका 50,000-60,000 जो भी है इसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बंदा क्या करता है, ए के साथ में इसके TCS के पूरे शेयर बेच देता है, और और कम से कम 40-50 समझ लो कि अच्छा खासा अमाउंट आ गया इसके पास में, 2-3 लाख का अमाउंट आ गया ए के पास में, इनके शेयर बेच देता है, कौन सा, बी वाला
बंदा एक एक शेयर बेच देता है स्कैम करके। और दोस्तों इस बंदे को कानों कान खबर ही नहीं रहती है कि मेरा डीमेट अकाउंट हैक हो चुका है, TCS के पूरे शेयर बिक चुके हैं, पेनी स्टॉक खरीद लिया है, पेनी स्टॉक इस अकाउंट में इस बंदे ने खरीद लिया है। और फिर ये क्या होता है, ये ग्राफ ऊपर भागता है जब बाय करते हैं तो। और फिर ये बंदा बी क्या करता है, पूरे अपने शेयर जितने भी पेनी स्टॉक है सभी को प्रॉफिट में बेच देता है। ये आपको समझना चाहिए। और डीमेट अकाउंट का जो ID और पासवर्ड है किसी को भी शेयर ना करें। अब हमें लगता है कि OTP आएगा, पर कुछ स्कैम ऐसे भी होते हैं जो बिना OTP से हो जाते हैं। तो OTP भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, OTP किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, वो भी बात सच ज़रूरी है। कोई भी कंपनी हो दोस्तों, कोई भी आपको OTP नहीं मांगती, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया हुआ है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। सो दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट कैसे बनाना है उसका लिंक मैंने दे दिया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। उसके बारे में अच्छे से बताया कि मैंने किस तरीके से डीमेट अकाउंट बनाना चाहिए एंजल ब्रोकिंग का। सो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, और आई बटन में भी देख लेना, आई बटन में मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। और मैंने अपस्टॉक के बारे में भी ट्यूटोरियल दिया है, तो वो भी आप आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। वो कमेंट आया था कि लॉगिन कैसे करना है, उस बारे में मैंने आप यहाँ पे बताया। सिंपली है, ID और पासवर्ड डालो, यहाँ प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो अपने आप ही ID और पासवर्ड मांगेगा, बना सकते हो। वहाँ पे ID और पासवर्ड डाल दो, ओपन हो जाएगा अकाउंट। फिर आपको जो शेयर लेना है वो आप ले सकते हो। ऐसा कोई रिकमेंड नहीं दूंगा मैं कि आप ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे TCS बताया था, तो वो मत ले लेना, उसके बारे में स्टडी करना आप। तो दोस्तों, वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद, ऐसा ही और प्यार देते रहो दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।